हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल चटपट झटपट व बंधनम। आज मैं बनाने जा रही हूं कवई मछली। इस मछली को जंगली मछली भी कहा जाता है। यह मछली नदी और तालाब दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन जहां पर जंगल रहता है, जलकुंभी रहती है, झाड़ियां रहती है या जिस खेत में पानी लगा हुआ रहता है, उस जगह पर ज़्यादा पाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं थोड़ी सी राख और हंसुआ। हंसुए पर मछली काटने में आसानी होती है। अब हाथ में लगा लिए राख और मछली के दोनों साइड का कांटा को आराम से काट देते हैं। काटते वक्त थोड़ी सी ध्यान रखें, नहीं तो हाथ में भी कटने का डर रहता है। अब देखिए, इसका जो है एक हाथ से सिर पकड़े, दूसरी हाथ से पूंछ और इसे कांटा पर घिसते हुए इसका छिलका को हटा देते हैं। अब इसके बगल में जो है गलफर के पास में जो कांटे रहते हैं उसे भी काट करके निकाल देते हैं। अब पेट में एक चीरा लगाते हैं और पेट की सारी गंदगियां साफ कर देते हैं। पूंछ में भी हल्का सा कट लगा देते हैं। तो सारी मछलियों को इसी तरह काट लें और 8 से 10 बार पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। तो देखिए हम किस तरह से सारी मछलियों को साफ कर लिए हैं। अब इन मछलियों में मिलाते हैं कुछ मसाले, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मछली को अच्छी तरह से मिला देते हैं, मछली पर पूरी तरह से लपेट देते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप एक चम्मच बेसन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बेसन नहीं डालें। अब कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिए हैं, वह गर्म हो चुकी है। उसमें डाल दिए 100 ग्राम के आसपास सरसों का तेल। उसे चारों साइड फैला देते हैं। तेल को पूरी हीट फ्लेम पर हम गर्म किए हैं। अब उसमें एक एक करके मछली डाल देते हैं। यहाँ पर आप 7 से 8 मछलियाँ एक बार में डाल सकते हैं और आप अगर चाहे तो चिमटे से या कपड़े से कढ़ाई को पकड़ करके थोड़ा थोड़ा सा हिला दें, जिससे कि मछली की चारों साइड तेल फैल जाए। इसी तरह आप 2 से 3 मिनट तक मछली को फ्राई करें, उसके बाद उसे पलट दें। पलटने के बाद आप देखिएगा कि मछली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और मछली सटी भी नहीं है। तो इस मछली को फ्राई करने का यही तरीका है, क्योंकि कवई मछली सख्त होती है और इसे अगर ज़्यादा तेल में आप डाल करके फ्राई करेंगे, मछली का स्किन जो है पूरी तरह से फट जाएगा और अंदर का गुद्दा बाहर आ जाएगा और कांटे भी दिखने लगेंगे। तो देखिए हम मछली को किस तरह से फ्राई कर लिए हैं। इसी तरह आप सारी मछलियों को फ्राई करें, फिर उसे पलट दें और दूसरे साइड से भी एकदम से गोल्डन ब्राउन में फ्राई कर लें। सारी मछली इसी तरह फ्राई कर लें। अब चलिए ग्रेवी बनाने की प्रक्रिया में चलते हैं। फिर से कढ़ाई में 100 ग्राम तेल डाल दिए, उसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिए, 1 चम्मच पंचफोरन डाल दिए, वह थोड़ी सी चटक गई है। अब उसमें डाल दिए 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे अब अच्छी तरह से भूनते हैं 2 मिनट के आसपास। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर दिए हैं। अब इसमें डालते हैं 1 टमाटर, जिसे हम पहले ही धो करके काट लिए थे। टमाटर डालते ही डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते ही इसे मिला देते हैं। अब इसमें डालते हैं 2 चम्मच सरसों का पेस्ट, उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद डाल दिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी मिला देते हैं और इसे लो फ्लेम पर हम तब तक पकाते हैं जब तक कि मसाले का कलर चेंज ना हो जाए और मसाले में से पूरी तरह तेल ना छोड़ दें। तो देखिए यह मसाले भुने जा चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से तेल छोड़ गया। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना ही पानी डालें। अब इसमें एक अच्छी उबाल आने देते हैं। देखिए यह उबाल आ चुका है, लेकिन ऊपर में जो है झाग बनी हुई, इसे कलछी से मिला देते हैं और फिर इसमें उबाल आने देते हैं। अब देखिए यह पूरी तरह से उबलने लगी है। अब इसमें एक एक करके मछलियाँ डाल देते हैं। सारी मछलियाँ डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो देखिए बनके तैयार हो गई कवई मछली। यह मछली बहुत ही स्पेशल होती है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।